आखिर कब करेंगे मेकर्स अनाउंस इस फिल्म की रिलीज डेट को? क्या है पूजा हेगड़े का एडवेंचर और क्या कहा अल्लू अर्जुन ने पूजा के बारे में? हेलो दोस्त, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। भाई लगभग 3 साल हो गए हैं इस फिल्म के शूट को, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की शूटिंग में आ रही है डिले। इंडिया की सबसे बड़ी लव स्टोरी स्क्रीन पर देखी तो जाएगी, लेकिन कब देखी जाएगी ये किसी को भी नहीं पता। दोस्तों राधे श्याम जो है एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा बना है 350 करोड़ के बजट पर और ये मूवी सेट है 1970s के यूरोप के बैकड्रॉप पर। ये मूवी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक है। इस फिल्म में स्टार कर रही है प्रभास और पूजा हेगड़े लीड रोल्स में। तो क्या वजह है जो इतना डिले कर रहा है इस फिल्म को? दोस्तों कोविड की वजह से पूरी दुनिया है परेशान। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरह दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री को पहुंचा है नुकसान। अब इंडिया में फिल्म्स हर साल रिलीज होती हैं। दोस्तों इससे पता चलता है कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री कैसे सफर कर रही है। कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगी है वही वो कारण है जहां राधे श्याम की शूटिंग का डिले है। दोस्तों बता दूं कि राधे श्याम की शूटिंग में बार बार पड़ता है खलल इस लॉकडाउन की वजह से, इसलिए कुछ दिनों पहले तक भी राधे श्याम की फाइनल लेग शूटिंग भी बंदी हुई थी। दोस्तों बता दूं कि मगर अब 22 जुलाई को फिर से शूट रिज्यूम कर दिया गया है। पूजा और प्रभास जहाँ शूट किया जाएगा एक सॉन्ग और किया जाएगा कुछ लास्ट टच अप शूट्स के जरिए से। दोस्तों बता दूं कि इस काम को करने में लगभग 1 महीना और लग सकता है और इसी 1 महीने के बाद ही पता चल सकता है कि कब होगी आखिर ये फिल्म रिलीज। दोस्तों अगर बात करें पूजा की तो उन्होंने अपने लगातार सक्सेस के चलते अपना एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑल अबाउट लव। इसी फाउंडेशन के बारे में बताते हुए पूजा ने कहा कि आज लोगों के प्यार की वजह से वो जिस भी जगह पर है वो काफी बड़ा है और वो अब भी वही प्यार लोगों तक पहुंचाना चाहती है। दोस्तों पूजा के इस फाउंडेशन की तरफ से मेनली कैंसर ट्रीटमेंट के बिल्स पे किए जाएंगे। सिर्फ वही नहीं दोस्तों, कुछ दिन पहले पूजा ने एक फैमिली को सपोर्ट किया था जिसका एक लौता कमाने वाला कोमा में चला गया था। तो दोस्तों बता दूं कि पूजा हेगड़े की संस्था ने कर्नाटका के एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में भी डोनेट कर चुकी है और 100 परिवारों को राशन भी दे चुकी है। पूजा ने इस फिल्म में काफी अच्छी एक्टिंग की है जिसकी तारीफ खुद प्रभास और फिल्म मेकर्स ने भी की है। इससे पहले दोस्तों पूजा हेगड़े को अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट एक मूवी में देखा गया था जहां अर्जुन ने कहा कि पूजा के साथ काम करने में उन्हें बहुत मजा आया और पूजा पहले से काफी अच्छी एक्टिंग करती है। अल्लू अर्जुन ने कहा था कि वो अपने कोई भी हीरोइन को ज्यादा रिपीट नहीं करते अपने फिल्म में, लेकिन पूजा इकलौती हीरोइन है जिनके साथ उन्होंने 2 से 3 बार काम किया है। पूजा की मेहनत डेफिनेटली रंग ला रही है। दोस्तों पहले अल्लू अर्जुन और प्रभास ने किया काफी उनकी तारीफ जिसकी वजह से फैंस है काफी एक्साइटेड उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए। तो कैसी होगी पूजा की फिल्म राधे श्याम? अपने विचार हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा और फिल्म वर्ल्ड की हर खबर के नजर रखिए अपने चैनल बॉलीवुड स्टूडियो। जिंदगी में हम वही चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था, बस ये थोड़े दिन और जीकर मैं इतना तो जान गया जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती है।